फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर आपके डिबेट सोल्व किए थे, जो आपके लॉन्ग टेबल के भी थे और शॉर्ट टेबल वाले थे, मतलब जैसे 93 की टेबल, 95 की टेबल के भी हमने डिबेट किए थे, 43 के भी किए थे और 12 के भी किए, 22, 23 की टेबल के भी किए। आपको मिनिमम 25 तक टेबल तो लर्न करनी है। अब अपन जो डिवाइड करने जा रहे हैं, जैसे वो मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, 100 से, 1000, ऐसे अपन डिवाइड करेंगे। ओके, जिसके अंदर आपके केवल क्या डिजिट हो, 0 और 1 हो। ओके, उनसे अपन डिवाइड करेंगे। और नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज है 5C, एक्सरसाइज आपके 5C। और 5C का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके, डिवाइड एंड राइट द आंसर। ओके, डिवाइड एंड राइट राइट द आंसर। ओके, यही है। और इसमें अपन को चेस करना है, सॉल्व करना है, ए नंबर 45 डिवाइड 10। ओके, 45 से डिवाइड करना है किससे, 10 से, और क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन है, और रिमाइंडर फाइंड करना। ओके, तो डिवाइड करते हैं, 45 डिवाइड 10, 10 की टेबल सबको लर्न है, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, और तो 4 टाइम 40, और अपॉन में माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। नेक्स्ट डिजिट तो है नहीं, तो आप क्या हो जाएगा, रिमाइंडर तो आ गया, क्वेश्चन है तो कितना आ गया, क्वेश्चन है इक्वल टू 4 और रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। ये हो गया फर्स्ट नंबर ही। फिर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट का बी, इसके अंदर भी डिवाइड है आपके 595 को डिवाइड करना है 10 से। ओके, और क्वेश्चन मार्क और रिमाइंडर फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे 595, 10 5 50, 5 टाइम, और 50 माइनस कर देंगे कितना आ जाएंगे, 9। फिर वापस नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे कितने, 5 10 9 90, 9 टाइम, और 90 माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे, 5। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 5। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेट कितना आ गया यहाँ पे, 59, एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर 5। ओके, यही आपके आंसर है। नॉट दीजिए, दोनों डिवाइड। सी नंबर आपको खुद को सेल्फ करना है। सी नंबर इसका क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सी आपको सेम सेल्फ करना है, होमवर्क में है। नेक्स्ट आपके डी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डी, क्वेश्चन नंबर डी 489 डिवाइड 100। ओके, 489 डिवाइड 100, 100 से डिवाइड करना है और आपकी क्वेश्चन नेट और रिमाइंडर फाइंड करने हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 को 4 टाइम मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएंगे, 400, और 5 टाइम मल्टीपल करेंगे तो
500, तो 500 क्या हो जाएगी इस नंबर से गेटर हो जाएगा। तो अपन कितने टाइम करेंगे, फोर टाइम। तो 400 माइनस करेंगे तो 9 और 89, तो कितना आ गया 89। 89 यहाँ पे क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और ट्यूशन नेट कितना हो जाएगा, ट्यूशन नेट हो गया आपके 4 और रिमाइंडर रिमाइंडर आ गया 89। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, आपको होमवर्क में करना है और एफ में सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ई आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ, क्वेश्चन नंबर एफ फर्स्ट का 4 7 8 9 4 डिवाइड 100। 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है और क्वेश्चन एट और रिमाइंडर फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं 4 7 8 9 4 और 100 से डिवाइड, 100 को 4 टाइम मल्टीपल करेंगे 400, तो 4 और 4 0 0 माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे 8 7 78। फिटनेस डिजिट नोट करेंगे कौन से 9, तो 789। तो 100 को कितने टाइम मल्टीपल करेंगे 7 टाइम, तो 700 आ जाएंगे, माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे 9 8। फिटनेस डिजिट को नोट करेंगे 4। ओके अब इसमें से 100 को कितने टाइम मल्टीपल करेंगे 8 टाइम। ओके तो कितना आ जाएंगे 800, माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे 4 9। अब आप इसके अंदर रिमाइंडर कितना आ गया 94, क्वेश्चन 478। तो क्वेश्चन है और रिमाइंडर आपके हैं 94। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जी, जो 1000 से डिवाइड करेंगे। जी के अंदर 8 9 4 2 डिवाइड 1000। ओके क्वेश्चन एड और रिमाइंडर फाइंड करेंगे इसके अंदर 8942 और 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1000 यहाँ आ रहा है और डिवाइड किसके अंदर दे रहे हैं 8942 के अंदर। तो इन 1000 को 8 टाइम मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएंगे 8000 और 9 टाइम मल्टीपल करेंगे 9000। जो 9000 क्या है, मोर है, तो इसके लिए अनज्ञान गेटर है, तो इसको अपन को लेस में लेना। तो कितना टाइम करेंगे 8 टाइम, तो कितना हो जाएंगे 8000 माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे 2 4 9। तो आपके रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया 942 और क्वेश्चन एट कितना आ गया, क्वेश्चन एट 8 और रिमाइंडर आ गया 942। ओके नोट कीजिए
नेक्स्ट है आपके एच, एच आपको होमवर्क में करना है सेल्फ, ओके। नेक्स्ट है आप एच के आफ्टर में आई, एच आपको होमवर्क में करना है। आई नंबर फर्स्ट का 6 4 5 3 1 2 डिवाइड 1000, ओके। सॉल्व करते हैं, 1000 का डिवाइड करना है 6 5 6 4 5 3 1 2। अब 6000 है तो अपन वन डिजिट के अंदर होगा नहीं, टू में होगा नहीं, थ्री में होगा नहीं, फोर डिजिट के अंदर होगा। तो फोर डिजिट कितना आ जाएंगे, 6000, 6000 है तो कितना आ जाएंगे, 6 times और 600, 6000 माइनस करेंगे 3 5 4। नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 1 1 नोट करेंगे, अब 4000 आ गया। तो 1000 को कितना टाइम मल्टीपल करेंगे, 4 4 टाइम, तो 4000, ओके। अब माइनस करेंगे तो कितना, 1 3 5। नेक्स्ट डिजिट कितना है, 2 2 नॉट करेंगे, अब कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5000 आए तो 5 टाइम हो जाएंगे, 5 0 0 माइनस 2 1 3, ओके। क्वेश्चन नेट कितना हो जाएगा, 312, और क्वेश्चन नेट हो जाएगा 645, और रिमाइंडर हो जाएगा 312, 6 4 5 और रिमाइंडर 3 1 2। नोट कीजिए, ये आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फर्स्ट का मैंने आपको फर्स्ट सी होमवर्क में दिया, फिर ई दिया, फिर एच होमवर्क में दिया, ओके। ये आपको खुद को सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेकेंड नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कॉपी एंड डिवाइडेड यूजिंग बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट मेथड, ओके। डिवाइड करने अपन को यही मेथड अपनाएंगे, सब में यही मेथड, एक ही मेथड यूज लेंगे ताकि आप कंफ्यूजन नहीं रहो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ई 20 डिवाइड 376। अब 20 का डिवाइड करना है तो 20 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 37। 37 में 24 टू से कितना होता है, 40, टू टाइम मोर हो जाएगा यानी ग्रेटर, तो 1 टाइम कितना आ जाएंगे, 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे, 7 1 17, 6 नॉट करेंगे। अब कितना टाइम डिवाइड करेंगे, 28 160 8 टाइम, ओके। माइनस करेंगे कितना, 6 और 7 में से 6 लेस किया तो 1, तो क्वेश्चन नेट कितना आ गया, 18। क्वेश्चन नेट 18 और रिमाइंडर कितना आ गया, 16। नॉट कीजिए, ए नंबर क्वेश्चन सेकेंड का, नेक्स्ट है आपके बी, जी के अंदर दे रखा है 60 डिवाइड 546। अब ये कितने, किसके अंदर हो जाएगी 50, कितना टाइम हो जाएगा, 54 में तो हो रहे नहीं है तो कितने टाइम होंगे, क्या करेंगे, 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट के अंदर 60 कितने टाइम, 9 टाइम, कितने 9,
कितना बचाएंगे 50 और जीरो लग जाएंगे। ओके माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे 6, 6 क्या हो जाएगा रिमाइंडर और 9 क्या हो जाएगा ट्यूशन है। और जी जी ठीक रिमाइंडर। नेक्स्ट चाहिए आपको खुद को सेल्फ करना है। सी नंबर क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी डी नंबर क्वेश्चन सी नंबर आपको सेल्फ करना है। बी के अंदर डिवाइड करना है आपको 90 752। अब 752 है 752 तो 55 आ रहे टू डिजिट के अंदर, इसके अंदर तो डिवाइड होगा नहीं, थ्री डिजिट लेंगे तो कितना हो जाएंगे 9 को 8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना 72, तो 90 को 8 से मल्टीपल करेंगे 720 आ जाएंगे। ओके तो 8 720 माइनस करेंगे इतना रिमाइंडर 2 और 332 रिमाइंडर। तो क्वेश्चन नेट कितना आ गया, क्वेश्चन नेट 8 और रिमाइंडर 32। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ई ई आपको होमवर्क में करना है। ई नंबर आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट आपके एफ एफ नंबर क्वेश्चन एफ के अंदर दे रखा है 40 से डिवाइड करना है और किसके कौन सा नंबर है 1981। ओके इसको डिवाइड करना है तो कितना हो जाएंगे 14 की टेबल 4 टाइम कितना हो गया 160, तो 4 टाइम कर देते हैं 160 और 5 टाइम तो 200 हो जाएगा। तो 8 और 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे 3 और फिर नेक्स्ट डिजिट कौन सा 1 नोट करेंगे। अब 40 का डिवाइड करना 381, 4 की टेबल में 9 टाइम बोलेंगे 36 आ रहे हैं तो 40 को 9 से मल्टीपल करा देंगे तो और पीछे एक जीरो लगा तो कितना हो जाएगा 360, तो कितना टाइम हो जाएगा 9 टाइम और 360 माइनस करेंगे तो 1, 8 में 6 किया तो 2, तो 2 ने 21 क्या आ गया रिमाइंडर और क्वेश्चन है 49 एंड रिमाइंडर 21 नोट कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट जी नंबर जी क्वेश्चन है आपके सेकंड का जी 300 से डिवाइड करना आपको और 300 टाइम 2। ओके तो कितने टाइम हो जाएगा 300 आ रहा 10 तो यहाँ 31 टाइम हो जाएगा 3। ओके माइनस करेंगे कितना है 1 0 10 माइनस कर दिए 2 और नॉट कर दिए। ओके अब इसके अंदर कितना हो जाएंगे आपके कितना आ गए 102 के अंदर डिवाइड हो रहा नहीं है तो यहाँ 0 लग जाएगा तो इसमें रिमाइंडर कितना जाएगा रिमाइंडर आ गया 102 और क्वेश्चन है 10 नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन एक्स, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन का लास्ट है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है। एफ 500 डिवाइड 7139। अब 500 की टेबल आपको नहीं आते हैं तो इसमें क्या करना, अपन को 5 की टेबल बोलेंगे और इसके बीच से 2 नोट करते रहेंगे। कैसे, ऐसा आपको टेबल नोट करने नहीं आते हैं ना, तो जैसे कोई भी हो, जैसे 500 के हैं तो 5 की टेबल नोट करो, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ओके, अब अपन को 50 की टेबल नोट करनी है तो 110 ऐड कर देंगे लास्ट में, और 500 की टेबल नोट करनी है तो 220 कर देंगे, 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 2, सब में किसी भी, जैसे 30 की टेबल नोट करनी है, 30 की टेबल नोट करनी है तो 3 की टेबल नोट करके 10 आ रहा है तो 10 ऐड कर दो, लास्ट में 00 लगा दो। 40 की टेबल एड नोट करनी है तो 4 की टेबल नोट करके फिर 1 सबके डिजिट के पीछे 00 नोट कर दो, तो आप ऐसे बन जाएगी। अब 500 की टेबल बन गई। ओके, अब 500 का डिवाइड करना किसके, 7000 और 139 के अंदर, तो इसके अंदर 3 डिजिट के अंदर ऐड करते हैं तो कितने, 3 डिजिट 700, तो इसके कितने टाइम हो जाएगा, 1 टाइम 5, 2 टाइम में कितना 1000 हो जाएगा जो ग्रेटर है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएंगे, 3, 1, 2, फिर नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे कितना है, 9। अब 2139 है, अब 2000 इसके कहाँ आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है, कितने 4 टाइम, 2000 माइनस तो 9, 3, 1 कितने जाएंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नेट 14 और रिमाइंडर, रिमाइंडर 139। इसी क्वेश्चन के साथ आपके एक्सरसाइज 3 5 सी कंप्लीट हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।